कीजिए बुड बग जट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड बजट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ लिविंग रूम का डिज़ाइन। अगर आपको जैसा लिविंग रूम में अपना टीवी पैनल बना किस तरीके से बनाना चाहिए, और स्लाइडिंग डोर्स जैसे कि आपका पार्टीशन होता है तो जो हमारा बनाया जाता है स्पेस की वजह से, जिसमें कि आपका रूम भी अलग हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक ही डोर्स है उसमें रूम बनाते हो, और लिविंग रूम में अगर आपको जैसे पार्टीशन लगाना तो उसमें स्लाइडिंग डोर्स किस प्रकार लगाना चाहिए, और अपना टीवी पैनल जो हमारा टीवी यूनिट का डिज़ाइन होता है तो किस हिसाब से होना चाहिए, तो इसमें मैं साइज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपको इस चैनल पर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखें आज तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना तभी समझ में आएगा डिज़ाइन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे लिविंग रूम में अपना पार्टीशन लगाना इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डिज़ाइन ऊपर अपना जो बनाना आपको छत तक अगर आपका जैसे स्पेस है तो उसमें अगर आपको जैसे बनाना स्लाइडिंग डोर्स तो इसमें आप देख सकते हैं ये छः इंची के हमने इसमें डिवाइड करके पार्टीशन दो, हमारे इसमें पिलर हैं इस प्रकार दे रखे, नीचे से भी 6 इंची हाइट है, उसके बाद अपना ये इसी तरीके से बनाया। तो इसमें जैसे कि आपका लिविंग रूम है, लिविंग रूम में अगर आप अपना जैसे टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के बाद फिर अपना पूजा रूम बनाते हो तो उसके लिए स्पेस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो जैसे कि आप ये पिलर देख रहे हैं, ये पिलर 6 इंची है, ऊपर हमने जो इसमें गैप की जो जगह छोड़ी है 8 इंची, इस तरीके से छोड़ सकते हैं 10 इंची 8 इंची, जैसे कि हमारी हाइट होती है हाइट के हिसाब से स्पेस छोड़ा जाता है। इसमें स्पेस हमारा ठीक लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि आपको 10 इंची 12 इंची जैसे कि आपका पिलर में जगह बच जाती है, गेट जो होता है हमारे डोर से उसके हिसाब से जगह स्पेस इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे फ्लावर आपको लगाना है, जैसे कि आपका डेकोरेशन के लिए इस तरीके से डिज़ाइन बनाने हैं तो इस तरीके से फ्लावर लगा सकते हैं इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो हमारा स्पेस छोड़ा जाता है, जैसे इसकी डेप्थ छोड़ी जाती है, जो डेप्थ है इसकी 7 इंची है, जो हमारे अंदर गहराई है इसकी, जो अपना लाइट में जिसमें देख रहे हैं आप लाइट लगा रखी है, तो इस बॉक्स को आप 7 इंची गहरा बना सकते हैं, 7 इंची 8 इंची जैसा एक स्पेस होता है आपका, स्पेस को आपको कवर करना है जिसमें कि आपका स्लाइडिंग डोर है तो थोड़ा सा उसमें स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको स्पेस बनाना है। और ये जैसे कि आपको इस पर पैलिंग करनी है, जैसे कि आपको इस पर बॉर्डर बनाना है, तो ये अपना 1/2 इंची 12 mm की जो प्लाई होती है उससे बना सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे कि 19 mm होता है, 19 mm या 12 mm दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे हमारा जो काम करते हैं तो उसमें से कुछ मटेरियल बच जाता है, इस तरीके से पार्टीशन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर्स, तो स्लाइडिंग डोर्स पे अगर आपको जैसे बनाना तो ये देख सकते हैं हैंडल जो होना चाहिए हमारा 3 इंची जगह बच जानी चाहिए। जैसे कि हम हैंडल जो होता है, हम चप्पू हैंडल जो लगाते हैं, ये हाथ में बंद करते टाइम पे या खोलते टाइम पे जो हमारे स्पेस होता है, जो पार्टीशन होता है या चौखट होती है, उसमें लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लगेगा तो दिक्कत रहती है। इस प्रकार देख सकते हैं इसमें अपना लॉक भी लगा सकते हैं। ये 15-15 इंची डिवाइड करके इस तरीके से बना रखा है, जो हमारा प्रोफाइल लगा रखते हैं इसमें टी प्रोफाइल, तो इसमें अपना स्पेस जो देना 15-15 इंची या 16 इंची जो भी डिवाइड आता है इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे डोर्स की हाइट होती है, तो जैसे कि डोर्स की हाइट होती है उसी हिसाब से डिवाइड करके इस प्रकार बनाया जाता है। ये हमारा जो डोर्स होता है, डोर्स की जो मोटाई होती है 32 mm 35 mm इस प्रकार होती है, जो फ्लैश डोर होते हैं फ्लैश डोर पर लैमिनेट लगा सकते हैं, वुडन कलर लैमिनेट है, और अपना जैसे इसमें चैनल लगानी है, ये जो हमारी सी चैनल होती है स्लाइडिंग चैनल, उसको लगाया जाता है। इसमें ये सॉफ्ट रहता है, इसमें आवाज़ नहीं आती है, और ये मजबूती भी ज़्यादा होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसकी लाइफ ज़्यादा है। और ये देख रहे हैं इधर मंदिर बनाया था, जैसे कि पूजा रूम अगर आपको अलग लेना है तो इस प्रकार डोर्स लगा सकते हैं। पूजा रूम का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा किस तरीके से ये डिज़ाइन है मंदिर का, अगर आपको जैसे बनाना है। इसमें LED लाइट लगा रखी है, जैसे कि इसमें लगाना अपने बॉक्स की गहराई बनानी है 6 इंची, जो हमारे पार्टीशन की है वैसे ही हमने इसकी गहराई बना रखी है, साइड से देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, डिज़ाइन इस तरीके से बनाने हैं आपको। तो ये है टीवी पैनल, अगर आपको जैसे टीवी पैनल बनाना है अपना लिविंग रूम है तो इस प्रकार ले सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना, जैसे कि इसमें हमने डबल बोर्ड करके इस तरीके से L बना रखा है, जैसे कि आप ऊपर का टॉप देख रहे हैं तो ये वाइट कलर का टॉप है, और अपना इसी प्रकार आपको जैसे लेते हैं, जैसे कि लिविंग रूम में थोड़ा स्पेस कम है तो छोटा टीवी यूनिट भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना, जैसे कि इसी हमने जो गहराई रखी है इसी 12 इंची, जो हमारी इसकी गहराई रखी जाती है 12 इंची, 12.5 इंची, 15 इंची, इस तरीके से रखी जाती हैं। 12 इंची आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, 1-2 इंची जिसमें कि आपका 12 इंची चैनल की दराज की जगह मिल जाए। ये देख रहे हैं अपना, ये कोब हमने जो बना रखी है, ये अपना 3 इंची स्पेस देके इस प्रकार बना रखा है, 3 इंची की आप देख रहे हैं इसमें जो डिज़ाइन है कोब की, जो डिज़ाइन बना रखी है, ये हमारा ऊपर वाला जो सेल्फ है इसकी जो हाइट है 3 इंची आपको देना 3 इंची में, और इसकी जो गहराई रखनी है आपको
7 इंची इस तरीके से रखने, 7 या 8 इंची, जैसे कि हमारा स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाना चाहिए। जैसे कि हम काउंटर बनाते हैं नीचे का, तो उससे अंदर ही रहता है ये ऊपर वाला जो स्पेस होता है, तो 4-5 इंची का फ़र्क रहता है इसमें। इस प्रकार ले सकते हैं, ये देख रहे हैं अपना 3 इंची का। तो इसमें हाइट जो रखनी है आपको ऊपर की 8-10 इंची इस तरीके से रखनी है। ये स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर टीवी यूनिट अगर आपको जैसे बड़ा लगाना स्विच बोर्ड, आप ऊपर की साइड ले सकते हैं, जिसमें कि आपका टीवी बड़े साइज़ में आ जाता है। जैसे कि टीवी लिविंग रूम में टीवी बड़ा होता है, इसी प्रकार बना सकते हैं। इधर ये देख रहे हैं अपना डिज़ाइन, इसमें जो डिज़ाइन है ये अपना जैसे वाइट कलर का लैमिनेट लगा रखा, इसमें जो हमने ये जगह छोड़ी है, इसमें आपको जैसे कोई भी अपना जैसे हम फ्लावर कुछ भी गमला रखते हैं, तो इसके स्पेस आप इस प्रकार लगा बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं जगह। 3 इंच का बॉर्डर है इसमें, और इसमें अंदर से जो स्पेस है इसकी जो चौड़ाई रखी हमने, तो 10 इंची आपको रखनी है विड्थ इसकी अपनी, इस हिसाब से देख सकते हैं। और आपकी जो गहराई है तो 7-8 इंची हो जाती है, जैसे कि आपका गमला होता है। ये दराज है नीचे, इसमें 3 कलर इसलिए लगाए हैं दराज का, क्योंकि वाइट के नीचे वुडन का एक कम्बिनेशन देते तो उसमें थोड़ा सा अलग होता, एक नया पैटर्न भी बनकर आना चाहिए। इस प्रकार ग्रे कलर लगा सकते हैं। टक्करों पर टेप है, अगर आपको टेप लगाना है टेप लगा सकते हैं। माइक का जो हमारा फ्रंट होता है उसी का ही सेम मैचिंग लगाना है, अपने टेलीस्कोप चैनल थी। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वुडन कलर का जो लैमिनेट बचा था वही लगा दिया अंदर। इसमें आपका जो अंदर दराज में जैसे बसता है माइक का, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी प्रकार ले सकते हैं। ये डिज़ाइन आप दे सकते हैं, जैसे कि इसका टीवी पैनल का डिज़ाइन आपको बनाना, तो 5 फुट या 5.5 फुट 6 फुट चौड़ाई होती है, हाइट आपको 7 फिट तक ले आनी होती है, जैसे कि हमारे दरवाजे की हाइट होती है। इसी प्रकार ये देख रहे हैं स्विच बोर्ड अपना, जो केबल है तार की, जो हमारा टीवी की केबल होती है, तो उसको भी इसी में ही निकालना होता। ये लाइट के तार से अलग होना चाहिए इसका पाइप, अगर अलग रहेगा तभी ठीक चलेगा आपका, नहीं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लाइट वाले से एक बार कंफर्म कर लें। ये देख रहे हैं अपना नीचे हमने इसमें हैंडल जो बनाए, कैंसिल हैंडल नीचे से ही दराज खुल जाता है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार बना सकते हैं, बिना हैंडल की भी दराज ऐसी बनती हैं जिसमें नीचे अपना मत्था निकाला जाता है। इसी हिसाब से आप अपना डिज़ाइन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर दोस्तों आपको जैसा डिज़ाइन देखने हमारे जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि आपका टीवी पैनल का डिज़ाइन हो गया, वार्डरोब पर डिज़ाइन हो गया, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम जो पेज है हमारा बुटबुक जटके के नाम से, इसी नाम से जिस नाम से यूट्यूब चैनल, उसी नाम से इंस्टाग्राम, तो वहाँ जाकर अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर के इंटीरियर का वर्क कराना है आपको, किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहते हैं, अच्छी वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।